टीवी पे बैठ के केवल और केवल राज्य सरकारों को गालियां देने का काम करती है। देश के लोगों ने एक सरकार चुनी थी, उन्होंने सोचा था बीजेपी का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। केवल और केवल राज्य सरकारों से झगड़ा करती है, उनके काम में टांग अड़ाती है। केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मंत्री जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने दिल्ली में राशन की योजना को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को खूब गाली गलौज की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास केवल एक काम रह गया है, वो दिन में एक समय मीडिया पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज देने लगते हैं। काम की बात कोई नहीं करते, राष्ट्र के निर्माण की कोई बात नहीं करते, देश के लोगों की बात नहीं करते, बस अरविंद केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री जी, केंद्र सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में आते हैं। एक ही काम रह गया उन लोगों के पास में कि बस सुबह से शाम तक केवल और केवल राजनीतिक विरोधी जो पार्टियां हैं उनको गाली गुफ्तार करते रहो, उनकी सरकार को सुबह से शाम तक। किसी दिन आएंगे तो वेस्ट बंगाल की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो झारखंड की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो महाराष्ट्र की सरकार को गाली देने लगेंगे। आजकल केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकारों को गाली गुफ्तार करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है क्या? जब देखो आप आते हो टीवी पे बैठते हो और किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ मुंह खोल के गालियां देने लगते हो, और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम कर ही नहीं रही केंद्र सरकार क्या आजकल? मैं देख रहा था वो, और ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज यही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे वो भी यही गाली गुफ्तार में उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे वो भी उसी तरह की गाली गुफ्तार का इस्तेमाल करेंगे। कभी कहेंगे कि साहब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। अरे ऑक्सीजन का पूरा मैसअप किसने किया? केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का मैसअप किया, आप ठीक कर लेते समय रहते। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब जाके आपने ऑक्सीजन सुधारी, पहले ही सुधार लेते, अब राज्य सरकार को गाली देने लग रहे हो। पूरे देश के सारे 1.5 करोड़ बच्चे कहते रहे साहब परीक्षा कैंसिल कर दो, परीक्षा कैंसिल कर दो, केंद्र सरकार के बीजेपी के लोग आके कहते रहे राज्य सरकारें गलत कर रही हैं, राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और देश भर के बच्चों ने आवाज लगाई, फिर कह रहे अच्छा परीक्षा भी कैंसिल कर देते। वैक्सीन के लिए सारी राज्य सरकारें कहती रही साहब वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, आप इंटरनेशनल लेवल पे खरीद लो। राज्य सरकारों की नहीं सुनी, राज्य सरकारों को गाली देते रहे, राज्य सरकारें ये कर रही हैं, राज्य सरकारें वो कर रही हैं, कभी ममता जी को गाली देना, कभी केजरीवाल जी को गाली देना, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री को गाली देना, कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गाली देना, केंद्र सरकार केवल यही करती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, उसके बाद फिर बोले आके कहने लगे जी हम तो वैक्सीन भी दे रहे हैं। तो आजकल केंद्र सरकार के मंत्री केवल और केवल, केंद्र की पूरी केंद्र सरकार केवल और केवल ये 3-4 राज्यों के विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गाली गुफ्तार देने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। बाकी जो काम करना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगानी सुननी पड़ती है, उसके बाद में वो काम कर रही है। वहां वो काम सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ रहा है आपको लताड़ लगा लगा के। मैं जो दिन भर ये गाली गुफ्तार का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, आज केंद्रीय मंत्री ने भी किया, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे संस्कार मुझे गाली देना नहीं सिखाते, वो उनके संस्कार हैं, वो जाने। पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे वो ऑक्सीजन का मसला हो या राशन का मसला हो, परीक्षा का मसला हो या वैक्सीन का मसला हो, कुल मिला के सब में एक कॉमन फैक्टर है और वो है केंद्र सरकार की विफलता। केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही, उसके बाद में फिर आके सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, फिर आपने वो काम किए। अब राशन पे भी ले लीजिए, राशन पे अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक चीज कही कि भाई अगर पिज्जा फोन करने पे लोगों के घर आ सकता है, अगर 21वीं सदी में पिज्जा की, फ्रिज की, कपड़ों की, खाने की डिलीवरी घर पे हो सकती है,
तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पे क्यों नहीं हो सकती? अगर कोई अमीर आदमी, कोई सक्षम आदमी फोन करके अपने घर पे पिज्जा घर पे डिलीवर करा सकता है, तो सरकार गरीब लोगों का राशन उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचा सकती? यही तो कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। आज केंद्रीय मंत्री जी आके एकदम गाली गुफ्तार करने लगे, ये तो ऐसे हो हैं, वैसे हैं, इतने करप्ट हैं। अरे सर जी, अगर 21वीं सदी में कोई मुख्यमंत्री बैठ के, IIT से पढ़ा हुआ एक मुख्यमंत्री बैठ के ये सोच रहा है कि गरीब लोगों के घर राशन डोर स्टेप डिलीवरी पे, उनके दरवाजे पे सरकार लेके चली जाए, तो इसमें गलत क्या सोच रहा है? उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे, आके कहने लगेंगे कि ये सब ऐसे हैं, वो सब वैसे हैं, ये खराब, वो खराब, इस ये जो भी गाली गुफ्तार में शब्द यूज करते हैं लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसमें टांग क्यों अड़ाते हैं? आपको प्रॉब्लम क्यों है इसमें? ये बताएं साफ साफ कि अगर पिज्जा घर पहुंच सकता है तो गरीब आदमी का राशन क्यों नहीं घर पहुंच सकता? और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के लोग अब तंग आ चुके हैं। देश के लोग ऐसी केंद्र सरकार से तंग आ चुके हैं जो रोज टीवी पे बैठ के केवल और केवल राज्य सरकारों को गालियां देने का काम करती है। देश के लोगों ने एक सरकार चुनी थी, उन्होंने सोचा था बीजेपी का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। केवल और केवल राज्य सरकारों से झगड़ा करती है, उनके काम में टांग अड़ाती है। यह तो पुण्य का काम था ना, गरीब लोगों के घर अगर सरकार राशन पहुंचा देगी तो पुण्य मिलना चाहिए, केंद्र सरकार गाली देती है। राष्ट्र निर्माण के जितने भी काम कोई राज्य सरकार करना चाहती है उसमें आके केंद्र सरकार टांग अड़ाती है और उसके बाद गाली देना शुरू करती है। मैं केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बनके रहिए, भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना चाहिए, ना कि बीजेपी की सरकार का मतलब केंद्र में भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार बना रखी है आपने। ये भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार बंद करिए। जनता आज ऐसी सरकार चाहती है जो राज्यों के साथ मिलके काम करे, राज्यों को गाली गुफ्तार देने का ही काम ना करे। राष्ट्र निर्माण के काम में राज्य सरकारें अहम पार्टनर होती हैं। राज्य सरकारों के काम में टांग अड़ाने से और फिर टीवी पर बैठ के उनको गाली गुफ्तार देने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता है। राष्ट्र निर्माण होता है कि अगर राष्ट्र की कोई योजना किसी राज्य के पास में है तो केंद्र सरकार उसको सहयोग करे। राज्य के लोगों के लिए, देश के लोगों के भले के लिए अगर कोई सरकार कोई योजना लेके आ रही है तो केंद्र सरकार उसमें सहयोग करे, टीवी पे बैठ के उसको गाली गुफ्तार करने के लिए ना बैठ जाए, उसमें टांग अड़ाने के लिए ना बैठ जाए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिलके काम करें। असली राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब राज्य सरकारों के साथ मिलके काम करेंगे। भारतीय झगड़ा पार्टी आपका अगर नाम है तो बहुत बढ़िया, फिर तो आपको मुबारक हो।